Now, recently a notification has been released by UPPSC, which is for the LT grade teacher recruitment. Yani ki UPPSC jo committee hai, unne LT grade teacher recruitment ke liye ek notification release kiya hai. Ab is notification ke bare mein hum is video ke andar discuss karne wale hain. Kuch details about this notification ki jo examination ka form hai wo already release ho chuka hai aur uski last date bhi over ho chuki hai. To is notification ka fayda un logo ko hoga jo ki नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उनके लिए हम जो लेक्चर्स हैं वो कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर रिलीज करेंगे तो उन लेक्चर्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अब पहली चीज ये जो यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट है यहाँ पर हमारे पास 10,768 यानी कि 10,768 वैकेंसीज यूपीपीएससी ने रिलीज की है और इसको बोलते हैं लाइसेंशिएट टीचर. हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ लाइसेंशिएट टीचर. इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स थी अप्लाई करने की वो डेट्स अब निकल चुकी है. वो थी 16th अप्रैल 2018. दैट मीन्स इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर देन यू हैव टू अप्लाई बिफोर 16th अप्रैल 2018. एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट वीक सो ऑब्वियसली जो इसकी डेट है वो निकल चुकी है. अब सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए आपको सीटेट और टेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू क्लियर सीटेट एंड टेट एग्जामिनेशन फॉर दिस यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर. एंड जो एग्जामिनेशन डेट है दैट इज 24th जून 2018. अब यहाँ पर जो वर्ड है लाइसेंशिएट, काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइसेंशिएट का मीनिंग ही नहीं जानते हैं. वो जानते हैं कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर तो निकला है लेकिन एलटी का मतलब क्या है. एलटी का मतलब है लाइसेंशिएट. लाइसेंशिएट टीचर कौन होता है? वो टीचर जिसने पीएचडी से नीचे वाली डिग्री की हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएफ एमटेक. जो मास्टर्स डिग्री है मोस्ट ऑफ दोज डिग्रीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लाइसेंशिएट डिग्रीज. ओके, अब यहाँ पर अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी. सबसे पहले जो फॉर्म है वो हमारे पास 15th ऑफ मार्च को रिलीज हुआ था और वहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 16th ऑफ अप्रैल, यानी कि 15 मार्च से 16th ऑफ अप्रैल तक पूरा एक महीना था आपके पास इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए. और फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट थी 12th ऑफ अप्रैल. अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम की डेट है वो रीशेड्यूल हुई है. इससे पहले भी एक एग्ज़ाम की डेट थी लेकिन अब जो एग्ज़ाम की डेट रीशेड्यूल हो गई है 24th ऑफ मार्च 2018 के लिए. लेकिन अब तक एडमिट कार्ड इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए हैं तो एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी आने वाले हैं. अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है. देखिए हर एक स्ट्रीम के लिए यहाँ पर मेल और फीमेल की वैकेंसीज अलग अलग तरीके से मेंशन्ड है. हम जो कंसर्न है वी आर कंसर्न विद द कंप्यूटर साइंस टीचर और बिकॉज हमारा जो चैनल है दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस. फॉर कंप्यूटर साइंस मेल टीचर्स के 898 वैकेंसीज एंड फीमेल टीचर के 775 वैकेंसीज हैं. सो इन टोटल अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर यूपीपीएससी टीचर्स के लिए हमने निकाली है. अब पे स्केल क्या है, एज यू कैन सी द एंटायर पे स्केल हियर. तो पे स्केल के केस में जो नेट सैलरी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 48,220 रुपीज, बट पे स्केल जो है 9,300 से लेकर 34,800 तक है, जहाँ पर ग्रेड पे रहेगी आपकी 4,600. ऑब्वियसली ये जो वैकेंसीज है बिकॉज ग्रेड पे 4,600 है सो ये ऑफिसर लेवल से नीचे वाली पोस्ट है, बट योर प्रमोशंस विल बी टू ऑफिसर लेवल. अब यहाँ पर जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स. और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, यू शुड बी ग्रेजुएट विद बीएड डिग्री फॉर दिस वैकेंसी. इट कैन हैपन दैट यू शुड हैव डन एमएससी विद आईटी विद बीएड और यू शुड हैव डन बीएससी विद आईटी विद बीएड. और कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए यू शुड हैव डन बीटेक और बीई और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस. व्हाट इज दिस मीन बाय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने बीसीए भी किया है तब भी आप एलिजिबल है. और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. इसके अंदर अगर आप बीएससी आईटी भी अगर आपने किया है तब भी आप एलिजिबल है फॉर कंप्यूटर साइंस टीचर. अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें सिलेबस क्या होगा. डोंट वरी, हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. अब यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट के ऊपर बेस्ड होंगी.
और मेरिट लिस्ट के जो रिटन टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक होगा हमारे पास जनरल स्टडीज, दूसरा होगा कंसर्न मेन सब्जेक्ट। अब जनरल स्टडीज के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर का है, और जो कंसर्न मेन सब्जेक्ट है उसमें 120 नंबर होंगे क्वेश्चन होंगे जो कि 120 नंबर का है, और ये टोटल हमारे पास 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ओके अब सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर आप देखिए बहुत सारे वही सब्जेक्ट है जो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आते हैं, अब गेट में भी आते हैं, जैसे कि डिजिटल लॉजिक, सर्किट्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड ये जो सब्जेक्ट है जिन पर अभी मैंने टिक किया है ये सभी सब्जेक्ट गेट और यूजीसी नेट दोनों के अंदर आते हैं। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, दिस सब्जेक्ट ओनली कम्स अंडर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। देयरफॉर अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो यानी कि आप इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका जनरल स्टडीज़ भी कवर हो गया यानी कि पार्ट वन भी कवर हो गया, और दूसरा आपके पास जो कंप्यूटर आपका टेक्निकल सिलेबस है वो भी कवर हो गया। ठीक है, हम कुछ वीडियोस हैं जो इस चैनल पर रिलीज़ करेंगे फॉर UPPSC एग्जामिनेशन। आप चाहें तो जो हमारे वीडियोस हैं फॉर DSSB एंड KVS PGT एग्जामिनेशन आप उन वीडियोस को भी फॉलो कीजिए, बिकॉज वो जो वीडियोस हैं उनका काफ़ी सिलेबस है जो इस एग्जामिनेशन से मैच होता है। और आप जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस हैं वो भी आप फॉलो कीजिए, अगर आप इन वीडियोस को भी फॉलो करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें किसी भी समय पर ईमेल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हमारी ईमेल आईडी है admin@gatelectures.com। ओके, एंड अगर आपको कोर्सेज लेना है, कोर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, देखिए जो हमारे पास 3 तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, पहला है हमारे पास गेट एग्जामिनेशन के लिए, दूसरा कोर्स है हमारे पास UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए, तीसरा कोर्स है हमारे पास KVS, DSSB और जहाँ पर भी PGT की वैकेंसीज निकलती है उन एग्जामिनेशन के लिए, चौथा कोर्स है हमारे पास प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो यू कैन टेक एनी कोर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ओके, और इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर विच इज़ 9821876102 और 04। विल प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, आई विल ट्राई टू रिलीज वीडियोज़ वेरी सून। थैंक यू सो मच।